देखिए, ये चीजें, गुस्सा, नाराजगी और घृणा, ये सभी वो जहर हैं जो आप पीते हैं और किसी और के मरने की उम्मीद करते हैं। नहीं, जीवन ऐसे नहीं चलता। आप जहर पिएंगे तो आप मरेंगे। तो सिर्फ सफलता के लिए आपको सहयोग चाहिए। खुद को सुखद रखना 100% आप पर है। तो फिलहाल आप अच्छे से जानते हैं कि आप शांति चाहते हैं, लेकिन कोई कुछ कर रहा है, वो क्या कर रहे हैं? वही जो उन्हें सबसे अच्छे से आता है। आपको गाली दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो वही जानते हैं, आया ना? वो जीवन को उतना ही जानते हैं, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। अगर आप नाराज हो जाएं और सोचें कि उन्हें कुछ होगा, देखिए, ये चीजें, गुस्सा, नाराजगी और घृणा, ये सभी वो जहर हैं जो आप पीते हैं और किसी और के मरने की उम्मीद करते हैं। नहीं, जीवन ऐसे नहीं चलता। आप जहर पिएंगे तो आप मरेंगे। जीवन बिल्कुल न्यायपूर्ण है। तो जो लोग गुस्से, नाराजगी और घृणा में हैं, वो यही कर रहे हैं, वो जहर पी रहे हैं। जहर शब्द का प्रयोग मैं नैतिकता के अर्थ में नहीं कर रहा। आज पर्याप्त मेडिकल प्रमाण मौजूद है कि आपके खून की जांच से बताया जा सकता है कि 5 मिनट आप अभी खून की जांच करें और 5 मिनट जबरदस्त गुस्सा करें, फिर खून की जांच करें, आप देखेंगे आप में असल में रासायनिक जहर है। तो आप असल में जहर पी रहे हैं। आपको लग रहा है नुकसान उन्हें होगा। नहीं, इससे सिर्फ आपको नुकसान होगा। तो मुझे ये समझदारी नहीं लगती। बात बस इतनी है, प्रश्न नैतिकता का नहीं है कि गुस्सा होना चाहिए या नहीं। अगर आप खुद को अस्त व्यस्त करना चाहते हैं तो मर्जी आपकी है।